अस्सलाम वालेकुम जूनियर्स। अच्छा, आप लोगों को ये इंटरेस्ट होगा कि हमारी हॉस्टल कैसी है। तो आज इंचार्ज अपने रूम में है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के पोर्शन की ना थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो आइए मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल दिखाता हूँ किचन। इसका पता नहीं बटन किधर है, उस दिन तो ऐसे ही हो रहा था। अच्छा, ये किचन है, थोड़ा फुल्का यहाँ इसे देख लो, बहुत बड़ा है। लेकिन तुम लोग जैसे ऊपर मेरा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ वैसा ही है। एक ये रूम है चार वाला, इसकी लाइट भी उधर, कौन मेहनत करे आप लोगों के लिए, हल्का सा बस देख लो। तो आप लोगों के लिए कौन मेहनत करे, मैंने कहा ये आना जाए, पता नहीं सोए हुए हैं, पता नहीं किधर है। फिर उन्हें मुझे समझाना पड़ेगा, वीडियो बना रहा हूँ, ये कौन समझाए फिर इतनी देर। ये एक रूम है, एक ये रूम तो नहीं था पता नहीं, लेकिन शायद इधर भी रूम हो, आई डोंट थिंक सो। ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रूम ये तो मुझे कन्फर्म है। इसमें 6 बेड होंगे, इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं, लेकिन यहाँ इंचार्ज रहता है, और इसमें 4 हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत हो जाएगा, लेकिन पोर्शन यही है। यहाँ पे आप लोगों को वाशरूम और बाथरूम मिल जाएंगे, एक बाथरूम और 2 वाशरूम, बेसन 2 होंगे, मशीन होगी, हीटर वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ आप लोग पैसे कुछ रख सकते हो, लेकिन ये पढ़ने के लिए टेबलें ही हैं, लाइब्रेरी में जाएंगी। बाकी सिटिंग प्लेस है, टीवी शीवी है, वो इंचार्ज देखते हैं। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इधर थोड़ा बहुत व्यू है, ये देख लो, बाकी प्रॉपर अगर हुआ तो मैं कभी बना दूँगा, अंदर से रूम भी दिखा दूँगा। ओके, अच्छा इसकी मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये देखो भाई, इस तरह का है, लेकिन ये सबसे छोटा रूम है। ये वो रूम है जिसमें पंखा होता है, लेकिन यहाँ पंखे नहीं होते, यहाँ कूलर होता है। इसका कूलर पत्नी हवा कहाँ से आती है। तो ये रूम भी वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, खिड़की आप लोगों को बाहर से झांकते रहो। यहाँ 4 बच्चे आएंगे, ये अलमारी अलमारी यहाँ 2 आती हैं, मतलब ये इसमें भी 2 खाने वो होंगी, 2 खाने वाली 4 होंगी, तो 4 बेड हैं। ये एक ऊपर ले गए आप लोग, फिर दूसरी मिलेगी। हैंगर भी है और ये चीज़ें हैं बस। सबसे अच्छा वो 6 रूम वाला था, वो बड़ा बड़ा होता, अगर मेरे पास है तो मैं, ताला लगा होगा, आवाज़ें जाएंगी अंदर। बस बहुत नहीं आप लोगों के लिए इतना कुछ, तो यहाँ जाते हैं आगे, लाइब्रेरी है उधर, मतलब आगे मतलब सहन है, सहन में ही एक लाइब्रेरी हॉल बना हुआ है। और ये सामने बाहर का दरवाज़ा है, जूतियाँ यहाँ रखो, और ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं बाहर से। ओके, अल्लाह हाफिज़।